हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल चैनल। मैं आज आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन करवाई थी। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। तो ऐसे काफ़ी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। तो विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हार्डवेयर की टू टाइप्स होती हैं, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया हुआ है, इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस इंक्लूड मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव्स एंड रैम। तो इंटरनल जो होती हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, वो क्या होती हैं, कंप्यूटर के जो इनसाइड में, मतलब कंप्यूटर के अंदर ही अंदरूनी पार्ट में मौजूद होती हैं, वो होती हैं। और एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या होती हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस इंक्लूड मोनिटर्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। जो क्या हैं आउटसाइड होती हैं, वो डिवाइसेस क्या होती हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में दिखाई थी, मोनिटर, कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड वगैरह दिखाए थे, तो ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं एक्सटर्नल। तो हार्डवेयर कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इसकी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई हुई है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है कि जो भी हम प्रोग्राम कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कंप्यूटर पे हम वर्क करते हैं, वो सारा हम किसके थ्रू करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम कोई भी कंप्यूटर पे कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। तो जो सॉफ्टवेयर है हम उसे सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की क्या होती हैं, हार्डवेयर की तरह ही टू टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। इट इज़ जनरली अ प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाई एंड यूजर्स। इट कैन बी कॉल्ड एन एप्लीकेशन और सिंपली एन ऐप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं कोई भी स्पेसिफिक वर्क करने के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम इंक्लूड करते हैं जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह, ये हम सब क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हम कोई भी काम करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये एक तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे इसमें एंड यूज़र्स बताया है, तो एंड यूज़र जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको कहा गया है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कोई भी अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हमारा कोई भी काम है जो वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल दे रखी है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो ऐसे मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल दे रखी हैं। तो ये सारी जो हैं एग्जाम्पल उसी की हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दिखा रखी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल फॉर यूज़। इट मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। इट रन्स एट द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर एंड दस इट इज़ कॉल्ड लो लेवल सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली यूज़ करते हैं क्योंकि इसके बिना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो ही उसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ वगैरह होती हैं, अगर हम पहले विंडोज़
इसमें करेंगे इंस्टॉल कंप्यूटर में, तो उसके बाद हम इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अप्लाई करेंगे, उसे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसकी एग्जांपल दे रखी है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सर्वर्स, डिवाइसेस, ड्राइव्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ वगैरह, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम। तो ये सारे जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिस्टम को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, विंडोज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं तभी हमारा सिस्टम वर्क करता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम इसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें हम जब ने कोई अपना स्पेसिफिक टास्क करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी टाइप हमें चाहिए होती है वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यूज़ करते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।